नमस्कार, आइए एक नए विषय पर प्रकाश डालते हैं। बहुत ही सीरियस विषय है। तो देखिए किस तरीके से पता लग जाता है हमें अपने हाथ से अपने जीवन साथी की किस तरीके की मृत्यु होगी, ये भी आप हाथ के द्वारा जान सकते हैं। तो उसके विषय पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। लेडीज अपने हाथ में देख सकती हैं, जेंट्स अपने हाथ में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जाने कि मृत्यु हमारे विपरीत लिंग की किस प्रकार से होगी। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यहां ये हमारी हृदय रेखा होती है और साथ में ये आयु रेखा और ये मस्तिष्क रेखा। प्रथम मंगल और द्वितीय मंगल का रोल, मंगल हाथ विद्या के अंदर मार्ग का काम करता है, ये मैं आपको मृत्यु से संबंधित एक्सीडेंटल मृत्यु के अंदर मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। ये किसी भी हाथ के अंदर प्रथम मंगल यहां और ये द्वितीय मंगल यहां मारक स्थितियों के लिए घर परिवार को अपने विपरीत लिंग की मृत्यु, पति की या पत्नी की मृत्यु के लिए मंगल क्षेत्र से इस बात को तय करेगा कि किस तरीके की डेथ उसके विपरीत साथी की होगी। ये यहां पर जो आपका द्वितीय मंगल है, इस मंगल क्षेत्र से आपने देखा होगा कि ये रेखाएं इस तरीके से जाकर के और ऐसे खड़ी हो जाती हैं। साहस के द्वारा धन प्राप्ति, साहस मंगल, धन प्राप्ति, परंतु यदि इसी साहस से व्यक्ति धन प्राप्त करने गया है और उसकी इस रेखा पर कोई काला तिल आ गया है तो व्यवसाय से संबंधित यात्रा करने के लिए गए व्यक्ति की व्यवसाय के अंतर्गत मृत्यु हो सकती है। बहुत ज्यादा संभावना है और देखा भी गया है। साथ ही साथ यदि ये रेखा है और ब्लैक वाला काला चिन्ह भी नहीं है और ये रेखा जाकर के इस तरीके से खड़ी हो गई है और इस पर एक नक्षत्र का चिन्ह बन गया है या क्रॉस का चिन्ह बन गया है, तब भी व्यक्ति की व्यापार करने गया है और रास्ते में किसी भी प्रकार से आकस्मिक डेथ हो सकती है, होती भी है। चलिए, ये मैंने आपको प्रथम फल बताया, अब मैं आपको द्वितीय फल बताने जा रहा हूं। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत से ये सूर्य का पर्वत है। सूर्य पर्वत को इस मंगल पर्वत से कोई रेखा आपकी हृदय रेखा को काटकर यहां तक चली गई, यहां चली गई, उसके बाद हृदय रेखा को काट कर गई, आपका दिल टूटा, आपका मन टूटा, आपका कोई हृदय से संबंधित रूठा या दुनिया से गया, तो मंगल पर्वत से सबसे खतरनाक जो एक्सीडेंटल डेथ है
व्यक्ति की यहां कोई काला तिल भी है या यहां कोई काला तिल है या इस जगह पर नक्षत्र का चिन्ह या क्रॉस का चिन्ह है या यहां से काले चिन्ह से ही शुरुआत हुई है, ये काले चिन्ह नहीं है, ये क्रॉस का चिन्ह यहां है, व्यक्ति की मृत्यु बम कांड गोली एक्सीडेंटल कई बार जल करके मृत्यु होती है, दर्दनाक मौत के लिए ये वाले चिन्ह दर्शाए जाते हैं। ऐसा नहीं, तीसरा यही मंगल क्षेत्र और मंगल क्षेत्र से ये कोई रेखा शनि पर्वत तक रुक गई, इतनी भर रेखा है, साहस से धन कमाएगा, इतना फल है, लेकिन वही काला स्पॉट यहां और ये रेखा यहां पहुंच जाए तो व्यक्ति की मृत्यु बीमारी के कारण होगी। कई बार देखने में आया है कि यदि उस पर यहां पर या किसी भी जगह एक क्रॉस का चिन्ह भी बन गया है तो व्यक्ति के साथ उसके धन की लूट मार होकर के धन की लूट मार हो सकती है, यहां नक्षत्र का चिन्ह है और धन छीनने के कारण दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई, धन भी छुना मृत्यु भी हो गई, तो ये भी एक प्रकार का अशुभ चिन्ह बताया गया है। एक्सीडेंटल मौत की बात कर रहा हूं, साधारण मौत की बात नहीं कर रहा। चलिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और साथ के साथ ये यहां से एकदम ऐसे करके और ये यहां को चली गई। व्यक्ति मेहनत से धन कमा रहा है, व्यक्ति तीर्थ को जा रहा है और यदि यहां से काले चिन्ह से शुरुआत हुई है या लास्ट में जाकर के अगर नक्षत्र का चिन्ह बन गया है या ब्लैक स्पॉट बन गया है, तीर्थ यात्रा में डेथ। बृहस्पति तीर्थ के लिए या तीर्थ को गए, कितनी बार सुना होगा व्यक्ति तीर्थ को गया और वहीं पर खत्म हो गया, तो ये एक इस तरह की डेथ का सूचक यहां मैंने आपको बताया। एक और प्रकार की मृत्यु जरूर देखी जाती है, प्रथम मंगल का जब जब रोल यहां प्रथम मंगल से निकलेगा और शनि पर्वत पर खत्म होगा और ये ब्लैक स्पॉट आएगा या यहां काले तिल से चलेगा, यहां पर नक्षत्र बनेगा, यहां फल दूसरा हो गया, ये सेना में गया, सेना से धन कमा रहा था, जमीन से धन कमा रहा था, शहीद हो गया देश के लिए। इस मंगल और इस मंगल में ये फर्क है। कई बार ये भी देखा जाता है कि जमीन के विवाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है,
तो ये इस प्रकार के चिन्ह मैंने आज आपको बताए कि किस तरीके से विपरीत लिंग आपके पति पत्नी और पत्नी का हाथ से देखें पति के बारे में कि इनकी डेथ किस किस प्रकार से हो सकती है, कौन कौन से क्षेत्र से किस किस प्रकार का एक्सीडेंटल डेथ अचानक डेथ हो जाती है ये देख रहे थे। अब आई बात साधारण मृत्यु की। देखिए साधारण मृत्यु उस व्यक्ति को अगर यहां अशुभ चिन्ह मिला है तो उसकी आयु रेखा पर भी उसी एज में यहां भी क्रॉस का चिन्ह मिलेगा जो मैं इधर चिन्ह बता चुका हूं आपको। परंतु यदि केवल आयु रेखा और किसी के पास साधारण आयु रेखा है और ये चिन्ह नहीं है जो ऊपर मैंने सिंबल बताए तो व्यक्ति की स्वाभाविक मौत होती है। आयु रेखा इस तरह के एक्सीडेंटल योग नहीं तो स्वाभाविक मृत्यु, चाहे वो आयु रेखा बड़ी है और चाहे वो आयु रेखा छोटी है। ये जटिल विषय है, ये कोई मजाक का विषय नहीं है, इसको बड़ी गहनता से पढ़ा जाता है। तो मैंने आपको प्रयास करा है आज बताने का कि किस प्रकार से किन लोगों की किन स्थितियों में डेथ हो जाती है। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपको प्रकाश डालता रहूंगा, आप मुझसे जुड़े रहें। नमस्कार।